शहर के बुधविहार कांजी हाउस के पीछे बचाओ बचपन आप साथ दो सेवा समिति द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा केंद्र पर रमन सांवरिया ने बच्चों को भोजन और स्टेशनरी सामान वितरण किया। संस्था द्वारा कई वर्षों से है कार्य किया जा रहा है। ऐसे काफी बच्चों का शहर के आसपास ही सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाया है जो अक्सर भीख मांगते थे या फिर कचरा बीनते थे। समिति ऐसे बच्चों का शिक्षा से जोड़कर नया जीवन देने का कार्य कर रही है। यह जानकारी संस्था अध्यक्ष दिनेश किरार ने दी। सर, यहाँ आज राजनगर बस्ती है, यहाँ पर हमारे आप साथ दो सेवा समिति द्वारा कई सालों से बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं झुग्गियों में अलग अलग प्रकार से। तो अभी हम यहाँ एक सेटअप तैयार कर रहे हैं, जो बच्चे झुग्गियों में रहते हैं उनको हम सुबह झुग्गियों से उठाएंगे गाड़ी के द्वारा संस्था के सहयोग से, और शाम को छोड़ेंगे। यही एक्टिव में खाना पढ़ाई लाइब्रेरी यही होगा, और जो बच्चे माहौल की वजह से इनका जीवन जो खराब हो रहा है उनको एक नया जीवन मिलेगा। और ऐसे बच्चों पर हम करीब 4-5 साल से काम कर रहे हैं, और हमने बहुत बच्चों को बदला है और सरकारी स्कूल में एडमिशन करा चुके हैं। ये किस तरह तरह के बच्चे हैं यहाँ पे, किस कौन से घर से हैं, कैसे क्या हैं? सारे बच्चे एक अच्छी बस्ती घूमू तो सवाल बच्चे हैं टोटल सारे, जो अक्सर आपने चौराहे पे किसी भीख मांगने देखा सर मिलता देखो, वो टोटल वो बच्चे हैं जो बचपन में नशा चोरी करते हैं। किस तरीके की इनको एक्टिविटी सिखाई जा रही है यहाँ पे? अभी इनको पढ़ाई करवाते हैं और खेल कूद की एक्टिविटी में इनका वो करते हैं, ताकि ये बच्चे पढ़ाई के साथ साथ इनका जो माइंड है वो एक्टिविटी में लगा रहे, इनका ध्यान गलत जगह लग जाए। बचपन बचाओ विकास, बचपन बचाओ साल दो समिति 4-5 साल से जगह जगह 4-5 जगह लोहा मंडी दशहरा मैदान के पास अग्रसेन चौराहे के आगे जो कच्ची बस्ती के जो बच्चे हैं उनको स्पेशल उन बच्चों को पढ़ाई के लिए सेंटर में एक्चुअली और सेंटर में इनको पढ़ाई कराते हैं, और साथ में दूसरी एक्टिविटीज में भी खेल कूद में विकास हो, इनका IQ बढ़े, पेंटिंग कंपटीशन वगैरह वो भी करवाते रहते हैं। मैं एक्चुअली 2018 में रिटायर्ड हुआ था, तो मैंने रिटायरमेंट के बाद मैंने समाज सेवा का मन बनाया। इस समाज ने बहुत कुछ दिया है, तो हम घर पर भी मैं और मेरी वाइफ 3-4 साल से 40-50 बच्चों को आसपास जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं और भी दूसरे उनको पढ़ाते हैं। तो इस सेंटर पे जब आया तो मेरा भी मन इनके साथ जुड़ने का कर गया, तो हम इनके साथ भी जुड़ के काम कर रहे हैं। बताइए किस तरह का कार्य? मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पता चला कि दिनेश किरार ने एक मुहिम चलाई हुई है, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं और खाना खिला रहे हैं डेली, तो मैं भी इससे जुड़ना चाह रहा था। और हमारे गुरुजी हैं जगदीप साज अवस्थी, मेरे साथ नित आते हैं ऐसे कार्यों में अपना हाथ बटाते हैं, तो हमने भी आज ये 40 बच्चे करीब जो है यहाँ जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको भोजन व्यवस्था करने का एक संकल्प लिया था, वो करने आए हैं। उनको कॉपी और पेंसिल वगैरह वो भी उपलब्ध करवाने के लिए हम यहाँ आए हैं, और हर मंगलवार को हम भी। कितने बच्चे की संख्या हो चुकी है यहाँ पे अब तक? बच्चे किस तरीके की एक्टिविटी सिखाई जा रही है, किस तरीके का बच्चों का पढ़ाई के अलावा मानसिक विकास भी हो, इसके लिए जो है खेल कूद की व्यवस्था भी यहाँ कर रहे हैं, और जो भी झोपड़ियों से जो बच्चे गलत एक्टिविटीज में जा रहे हैं, कचरा बीनना है, चोरी और इस तरह के जो है मान लो उसमें लिप्त हैं, उन बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज से मुक्त करके उनका भविष्य संवारने का काम जो है इस समिति के द्वारा किया जा रहा है, बहुत हमें खुशी का अनुभव हो रहा है। कहाँ पे स्थित है ये संस्था? ये यहीं से ये मान लो ये बुधविहार राजनगर में यहीं से जो शुरू किया। क्या नाम है आपका? रमन सांवरिया।